हेलो दोस्तों, मेरे हाथ में घड़ी देख करके आप ये सोच रहे होंगे कि मैथमेटिक्स के सेशन में घड़ी का क्या काम। एक्चुअली आज का सेशन और आने वाले कुछ सेशन क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन पे आधारित होंगे। पहले बेसिक समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे बहुत ही खास स्टूडेंट को जिन्होंने हमें मैसेज करके ये बताया कि क्यों ना एक सेशन क्लॉक रिलेटेड हो। उनका नाम है कृष्णा और वो उत्तराखंड से हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे हैं और ये क्वेश्चन मेनली दो तरह के होते हैं। पहला प्रॉब्लम ऑन एंगल और दूसरा प्रॉब्लम रिलेटेड टू इनकरेक्ट क्लॉक। पहले हम लोग कुछ बेसिक समझेंगे कि क्लॉक या घड़ी जिसमें तीन तरह की सुइयां होती हैं वो किस तरह किस स्पीड में चलती है और एक दूसरे से कैसे कॉइंसाइड करती है, उसके बेसिक समझेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम घड़ी को गौर से देखेंगे तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला डायल, घड़ी की परिधि या सर्कमफेरेंस। दूसरा घड़ी की सुई जिसको हैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तीन तरह के हैंड होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। एक घड़ी में तीन तरह की सुइयां होती है, आवर, मिनट और सेकंड। अगर किसी क्वेश्चन में सेकंड, मिनट और आवर तीन हैंड नहीं बोला गया और सिर्फ दो ही हैंड का जिक्र हो रहा और एंगल बताया जा पूछा जा रहा है तो आमतौर पर हम लोग आवर हैंड और मिनट हैंड को लेते हैं। अगर घड़ी को गौर से देखेंगे तो ये घड़ी जो है 12 भागों में बटा हुआ है और हर भाग 5 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आवर हैंड है वो 12 से स्टार्ट करते हुए पूरा चक्कर लगाते हुए जब ये वापस 12 घंटे बाद 12 बजेगा तो कितना डिग्री का ट्रेवल किया पूरा सर्किल पूरा करने में, 360 डिग्री। और अगर आपसे पूछा जाए कि 12 से 1 पहुंचने में इस एक सुई ने चाहे आवर हैंड हो, चाहे मिनट हैंड हो या सेकंड हैंड हो, 12 से 1 पहुंचने में जो एंगल ट्रेवल किया थीटा, वो कितना डिग्री होगा? वो होगा पूरा 12 भागों में बटा हुआ था, टोटल क्या था पूरा चक्कर करने में कितना डिग्री हुआ था, 360 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ 12 से 1 या फिर 1 से 2 या फिर 2 से 3 जाने में जो घड़ी की सुई है वो 30 डिग्री डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 30 डिग्री एंगल ट्रेवल करती है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जो आवर हैंड है वो हर एक घंटे में 30 डिग्री एंगल ट्रेवल करती है। मिनट हैंड क्या करेगी? मिनट हैंड अब यहां देखिए 12 से 1 जाने में 5 मिनट है, 5 भागों में बटा हुआ है, तो मिनट हैंड 12 से 1 जाने में या 1 से 2 जाने में कितना डिग्री ट्रेवल करेगी? 30 डिग्री। कितने मिनट में? 5 मिनट में। बहुत बार क्वेश्चन इस आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड की स्पीड रिलेटेड होते हैं तो स्पीड को हम लोग डिग्री पर मिनट में दिखाते हैं। जैसे हम और आप जानते हैं गाड़ी की स्पीड, साइकिल की स्पीड, बाइक की स्पीड या फिर ट्रेन की स्पीड का अगर हम बात करें तो हम उसे कैसे दिखाते हैं, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड में। जब घड़ी की सुई की स्पीड की बात हो तो हम इसे दिखाते हैं डिग्री पर मिनट में या डिग्री पर सेकंड में, क्योंकि ये डिग्री ट्रेवल कर रहा है, 360 डिग्री ट्रेवल कर रहा है 12 घंटे में आवर हैंड। क्लियर है? 12 घंटे में ये छोटी सुई जो है यहां से ये घूमता हुआ यहां तक पहुंचेगा, मतलब पूरा सर्किल बनाया 12 घंटे में, सर्किल बनाया 360 डिग्री घूम के, 360 डिग्री हुआ ना। आवर हैंड का क्या स्पीड होगा?
12 घंटे में कितना डिग्री बनाया? 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना डिग्री बनाया? 360 बटे 12 मतलब 30 डिग्री। इसको अगर हम मिनट में लिखें कैसा होगा? 1 आवर क्या हुआ? 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में 30/60 डिग्री। तो स्पीड क्या हुआ? 0.5 डिग्री पर मिनट। आवर हैंड का जो स्पीड है वो 0.5 डिग्री पर मिनट है। मतलब हर मिनट ये छोटा वाला जो आप सुई देख रहे हैं वो हर मिनट 0.5 डिग्री के हिसाब से ट्रेवल करता है। ये रहा आवर हैंड का स्पीड। अगर हम बोलें कि मिनट हैंड का स्पीड क्या होगा, अब यहां देखिए, मिनट हैंड जब पूरा वापस एक सर्कल पूरा करता है तो कितना मिनट होता है? 60 मिनट में वो पूरा एक सर्कल पूरा करता है। यहां से स्टार्ट करते हुए घूमते 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 जब यहां पहुंचेगा तो 60 मिनट होगा। 60 मिनट में 360 डिग्री बना रहा है। 60 मिनट में 360 डिग्री बना रहा है, ठीक है? तो मिनट हैंड का स्पीड क्या हुआ? स्पीड हो गया 360 डिग्री बटे 60 मिनट, मतलब 6 डिग्री पर मिनट। आवर हैंड का क्या स्पीड था? 0.5 डिग्री पर मिनट। और मिनट हैंड का क्या स्पीड आया? 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री पर मिनट करते हुए वो 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रेवल कर रहा है। अगर हम सेकंड वाली सुई का बात करें जो सबसे तेजी दौड़ रही है, तो उसका स्पीड क्या होगा? कैसे निकालेंगे? सेकंड देखिए, ये एक एक करते हुए 60 बार यहां जब पहुंचती है तो 360 डिग्री बनता है। 60 सेकंड मतलब एक मिनट, और 60 सेकंड में वो एक पूरा सर्कल का चक्कर लगा लेती है, तो कितना डिग्री हो गया वो? 360 डिग्री। 60 सेकंड में 360 डिग्री, 60 सेकंड में 360 डिग्री। 60 सेकंड मतलब एक मिनट, तो इसको आप एक मिनट में लिख सकते हैं। तो इसका स्पीड क्या हो गया? इसका स्पीड क्या हो गया? 360 डिग्री पर मिनट, 360 डिग्री पर मिनट। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। पहला पॉइंट यह है कि एंगल वाले क्वेश्चन जब भी आए, या एंगल का डिफरेंस निकालने या एंगल कितना ट्रेवल किया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एंगल वर्टिकल से नापना है। वर्टिकल मीन्स ऐसे, तो हम लोग ऐसे नापेंगे एक एंगल। जैसे क्वेश्चन है मिनट वाला, तो वर्टिकल से ऐसे नापेंगे एक एंगल। और आवर वाला कैसे करेंगे? मान लो ये ऐसा है तो ऐसे नापेंगे, ये थीटा वन, ये हो गया थीटा टू, ये कुछ भी। मान लो कोई घड़ी का सुई यहाँ पे है तो हम लोग इसको ऐसे इस तरह नापेंगे कि ये डिग्री कौन सा होगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर टू, इन एवरी आवर बोथ द हैंड्स, इट मीन्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड वंस। हर घंटे आवर हैंड और मिनट हैंड एक बार जरूर ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, द टू हैंड्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन व्हेन दे आर कोइंसिडेंट और अपोजिट टू ईच अदर। जब मिनट और आवर हैंड एक दूसरे के ऊपर रहेंगे या दोनों अपोजिट रहेंगे, वो दोनों कंडीशन में वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? मान लीजिए आवर हैंड यहाँ पे है और मिनट 3 पे है, मतलब जो दोनों हैंड 15 मिनट स्पेस अपार्ट, व्हेन बोथ द हैंड्स आर एट 15 मिनट डिस्टेंस अपार्ट, द एंगल बिटवीन दिस टू हैंड विल बी 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे से
15 मिनट की दूरी पे हो, 15 मिनट की दूरी पे हो, मतलब 15 इक्वल स्पेस की दूरी पे हो, तो उस बीच उस समय वो दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री का। एग्जाम्पल 3 o'clock, 3 o'clock में क्या होगा, छोटी सुई कहाँ पे होगी, 3 पे, और बड़ी सुई कहाँ पे होगी, 12 पे। 12 से 3 का अगर दूरी देखा जाए तो वो 50 मिनट डिस्टेंस का होता है, और दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली 30 मिनट डिस्टेंस अपार्ट, 30 मिनट की दूरी पे है दोनों सुई, उस केस में क्या होगा, दोनों के बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, मतलब दोनों एकदम अपोजिट होंगे, या फिर ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे। क्लियर है, हमने पहले ही पढ़ा एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर इज 360 डिग्री। 12 घंटे में घंटी वाली जो सुई है वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। उसी तरह जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाती है। अब सेकंड क्या करती है, सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। उम्मीद है आज का सेशन जो क्लॉक के बेसिक्स पे था अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।